आज लखनऊ पहुंचेगी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शोभा यात्रा के जरिए लाई जा रही मूर्ति। यात्रा लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाएगी। 14 नवंबर को काशी पहुंचेगी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। 100 साल बाद कनाडा से वापस आई है मूर्ति। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ धाम में होगी स्थापना। विश्वनाथ धाम में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे सीएम। आज लखनऊ पहुंचेगी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शोभा यात्रा के जरिए लाई जा रही मूर्ति। यात्रा लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाएगी। 14 नवंबर को काशी पहुंचेगी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, 100 साल बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस आई है कनाडा से और आज लखनऊ आने वाली है, कितनी बड़ी खबर है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो एक लंबे समय बाद राजधानी लखनऊ में आज प्रवेश करेगी। और इसका जो समय है वो भी बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे का वो समय है जब बीजेपी कार्यालय पर ये मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो पहुंचने वाली है और एक शोभा यात्रा के जरिए इसको लाया जाएगा और इसके बाद ये लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या के लिए निकलेगी। 14 नवंबर को काशी पहुंचने वाली है और वहां पर 100 साल बाद की ये जो मूर्ति वापस भारत आई है उसका जो पूजा अर्चना है वो करी जाएगी और 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ धाम में इसको स्थापित किया जाएगा। आज का कार्यक्रम अगर बताया जाए तो आज अब से थोड़ी देर बाद ये बीजेपी कार्यालय पर पहुंचने वाली है, जहाँ पर राजधानी लखनऊ के जो उत्तर के विधानसभा है, उत्तर विधानसभा के नीरज वोरा उसका स्वागत करेंगे और उसके बाद लखनऊ के हजरतगंज का जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है वहां पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक इस मूर्ति की पूजा अर्चना करने वाले हैं और पूजा अर्चना करने के बाद वहां से मूर्ति की जो ये यात्रा है वो आगे अयोध्या के लिए निकलेगी, जहां पर जो लखनऊ का पॉलिटेक्निक चौराहा है वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं और लखनऊ पूर्व के जो विधायक हैं आशुतोष टंडन वो इस यात्रा में शामिल होंगे पॉलिटेक्निक चौराहे पर और उसके बाद ये बाराबंकी होते हुए अयोध्या के लिए रवाना हो जाएगी। शिखा जी, नितिन, जो दर्शन अभिलाषी हैं वो कैसे दर्शन कर सकते हैं, कहाँ और मतलब अनुमति है आम लोगों को इस मूर्ति के दर्शन करने की लखनऊ में? एक तरह से रोड शो के जरिए इस मूर्ति को लाया जाएगा तो जो लोग रास्ते में रहेंगे वो इस मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जो हजरतगंज का है वहां पर ये मूर्ति जब पहुंचेगी तो भी वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और जो जनता होगी वो उमड़ेगी और वहां पर वो दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा अयोध्या जब ये मूर्ति पहुंचेगी, अयोध्या बाराबंकी में भी एक जगह पर इसको रुकना है, इस मूर्ति जो मूर्ति जो लेकर लोग जा रहे हैं वो उनको रोका जाएगा, वहां पर भी लोग इनके दर्शन पूजन कर सकते हैं मां अन्नपूर्णा के। और उसके बाद अयोध्या ये मूर्ति पहुंचेगी तो वहां पर भी जो पूजा अर्चना है वो करी जाएगी और उसके बाद 15 तारीख को इसे बनारस में स्थापित कर दिया जाएगा। तो जो लोग रास्ते में मां अन्नपूर्णा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, इस मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाएंगे, वो बनारसी जाकर के वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में वहां पर पूजा अर्चना और दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल नितिन, जो शोभा यात्रा निकल रही है उसमें सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, शोभा यात्रा जो निकल रही है सुरक्षा के इंतजाम अगर बताया जाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल रहता है, लेकिन जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई गई है शोभा यात्रा को लेकर के, और दूसरी चीज बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो संत हैं, वो महंत हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो धर्म की बातें उत्तर प्रदेश में होती हैं उसको लेकर जो सुरक्षा है उससे पहले से ही पुख्ता कर लिया जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही देखा जाएगा कि जो लखनऊ की पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो आसानी से ये जो यात्रा है इसे इनके गंतव्य तक पहुंचाई जाए, उसको देखते हुए ये जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पहले ही किए गए थे, कई सारी बैठकें हुई थी पुलिस अधिकारियों की और उसे अब बेहतर तरीके से समाप्त किया जाएगा अयोध्या और उसके बाद वाराणसी पहुंचा करके। जी नितिन, मां अन्नपूर्णा की जो स्थापना की जाएगी वाराणसी में तो वहां पे सीएम योगी तो मौजूद रहेंगे और किसके मौजूद होने की संभावना है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे, 15 तारीख का ये कार्यक्रम है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद हो सकते हैं उस कार्यक्रम में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी तक कोई जो ऑफिशियली जो प्रोग्राम है वो शेड्यूल फिक्स नहीं किया गया है, चाहे वो सीएम का ही हो या किसी का भी हो, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो वीआईपीज हैं वो इस वाराणसी के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जब मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वहां पर स्थापित की जाएगी। जी बिल्कुल नितिन, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हमें जानकारी दीजिएगा। अब हम करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।